हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अंगूर का हलवा बनाएंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी एक बार इसको बना के देखिएगा ज़रूर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसको हम पहले पीस लेंगे। और इंग्रेडिएंट्स में है, मैंने सूजी ली है एक बाउल, और एक बाउल से थोड़ी सी कम है चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और घी। तो हम इसमें टूटी फ्रूटी बनाया था, उसका वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा। उसमें ये जो कलर बचे हुए हैं, तो इसका ग्रीन वाला कलर जो सिरप है, इसको आज हम यूज़ कर लेंगे इसमें। तो चलिए इसको सबसे पहले हम जार में डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है। अब हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। तो मैंने ये चीनी ली और ये शुगर सिरप जो हमने लिया था ये डाल देंगे। तो चीनी मैंने थोड़ी कम ली है, आप एक बाउल सूजी में एक बाउल चीनी डालिएगा। पानी हम डालेंगे डेढ़ कटोरी, डेढ़ बाउल, क्योंकि इसका भी सिरप तैयार है, तो ये भी हमारा सिरप का ही काम करेगा, तो हमको पानी थोड़ा कम डालना है। तो देखिए मैंने सिरप बनाने के लिए गैस पे इसको रख दिया है और चीनी भी मेल्ट हो गई है। चीनी इसको बस केवल चीनी को मेल्ट करना है, कोई इसकी चाशनी नहीं बनानी है। चीनी एकदम मेल्ट हो गई है, अब हम इसको हटा देंगे और कढ़ाई रख लेंगे। इसमें घी डालेंगे, घी हम आधा बाउल से ज़्यादा डालेंगे। तो घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम करके लगातार चलाते हुए अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे वरना जल जाएगा, और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए सूजी में कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिससे ये भी भुन जाएंगे। मैंने कटे लिए हैं, आप अगर खड़े लेते हैं तो आप उसको पहले भी भून के निकाल के फिर काट के डाल। सूजी में अच्छा कलर आ गया है, अब हम अंगूर डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे, और धीरे धीरे अब हम चाशनी भी डाल देंगे। चलाते हुए फ्लेम को फुल कर लेंगे और थोड़ा ध्यान से ये उछलता है। अब हम इसको थोड़ा पकाते रहेंगे ऐसे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। देखिए इसमें अभी ये हलवा भी गीला लग रहा है, इसको हम अभी और पकाएंगे। ऐसे सुखाते रहना है, चला के चलाते रहेंगे और सुखाते रहेंगे इसको। सूजी हम इसमें महीन वाली लेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास महीन वाली नहीं है तो आप मिक्सी में एक बार चला लीजिए उसको, और पानी का भी ध्यान रखेंगे। क्यों जैसे सूजी में हमने एक बाउल सूजी ली है तो उसमें तीन बाउल पानी लगता है, तो उसी तरह से हमको ध्यान रखना है कि जितना हमारा अंगूर का लिक्विड हो रहा है उसी हिसाब से हम चाशनी बनाएंगे। हलवा देखिए तैयार हो गया, सूख गया, अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने हलवा को सर्व कर लिया है, और अब थोड़ा काजू पिस्ता और बादाम डाल देंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा हलवा बना है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।